Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are fine. And see what you can find on my board today. What you can see on the screen. Yes, जी जनाब. तो आज हम करेंगे एक उर्दू कहानी. और ये कहानी किसने लिखी है ये भी मैं आपको बताऊंगी. लेकिन तस्वीर देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कहानी एक उल्लू के बारे में है. तो ये कहानी है हुर्फ कहानी. और कौन सा हुर्फ है ये? ये हुर्फ है अलिफ, यानी उल्लू. अलिफ से उल्लू. एक था उल्लू ऐनक वाला, इस कहानी का नाम है. और इस कहानी को लिखा है उमेरा अहमद ने. चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम किताब को खोलते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में आगे और क्या है. चलें हम किताब को खोल. जी जनाब. तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है. एक जंगल में अलिफ नगर की बस्ती थी. उस बस्ती में बहुत से जानवर बसते थे. उनमें से एक अलिफ नगर का उल्लू भी था, जो आजकल बड़ा उदास रहता था क्योंकि उसे आंखों से कम दिखाई दे रहा था. उल्लू भाई, मुझे लगता है तुम अंधे हो रहे हो. एक दिन पोपू पांडा ने उसे आंखें बंद करते और खोलते हुए देखा. उल्लू डरा, नहीं तो मुझे तो नींद आ रही है, इसलिए आंखें खोलता और बंद करता हूँ. उल्लू ने झूठ बोला और फिर से उस पेड़ से उड़ गया. अब और क्या करता? अब देखते हैं क्या होता है आगे. अभी वो अगले पेड़ पर बैठा ही था कि होशियार हुदहुद उसके पास आया. उल्लू भाई, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? उसने पूछा. मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा, ना मैं तारे गिन सकता हूँ, ना पत्ते और ना ही अनार के दाने. पीला आम सफेद लगता है और सफेद अंडे आम लगते हैं, उल्लू ने उदासी से मसला बताया. तुम डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े के क्लिनिक से एक ऐनक क्यों नहीं ले आते? होशियार हुदहुद ने मशवरा दिया. उल्लू खुश हो गया. उसने सोचा, ऐनक का ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया? अगली सुबह उड़ते हुए उसकी नजर पार्क में बेंच पर बैठे डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े पर पड़ी. वो एक अखबार पढ़ रहा था. तूने अपना मसला डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े को बताया तो उसने एक ऐनक दी. अरे वाह, ये तो कमाल हो गया. अब हर चीज बड़ी बड़ी और साफ नजर आने लगी है. ऐनक लगाकर वो खुशी से चीखा. लो उल्लू भाई, ये अखबार पढ़ के देखो और रोज पढ़ा करो. बिल्लू बलूंगड़े ने अंग्रेजी अखबार उसकी तरफ बढ़ाया. उसके बाद वापस आते ही सबसे पहले बीबी बतखो ने उसकी आंखों पर लगी ऐनक देखी. ऐनक के शीशों से उल्लू की आंखें और भी बड़ी और गोल नजर आ रही थी. वाह उल्लू भाई, ये ऐनक तो तुम्हारी आंखों पर बड़ी अच्छी लग रही है. ऐनक लगाकर तो तुम अकलमंद लग रहे हो, भी बतखो ने तारीफ की. उल्लू बेहद खुश हो गया. उसी दिन अलिफ नगर में सब जानवर उल्लू की ऐनक की बातें करते रहे. इतनी बातें कि उल्लू ऐनक वाला कहलाने लगा. ऐनक वाला उल्लू अब सारा दिन दरख्त पर बैठकर अंग्रेजी अखबार पढ़ता है और अपने आप को सबसे अकलमंद समझता है. और हाँ, उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा मोटी और गोल हो गई हैं. तो दोस्तों, ये थी कहानी. और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सबको पसंद आई होगी. ये थी अलिफ हुर्फ की कहानी, यानी हुर्फ कहानी. जैसा कि आपने देखा, इसमें उल्लू का नाम भी अलिफ के हुर्फ से शुरू होता है और ज़्यादातर अल्फाजों में अलिफ हुर्फ का ही इस्तेमाल हुआ है. अब आखिर में एक नज़्म भी है जिसका नाम है एक था उल्लू ऐनक वाला.
ऊंचे पेड़ की नीची शाख पे अकड़ के वो यूं बैठा रहता, आंख उठाता ना झपकाता, आते जाते घूरता जाता, अपनों सब पर रोब जमाता, अंग्रेजी अखबार को पढ़ के ई ई ई ई ऊ ऊ ऊ करता, आधी रोटी शौक से खाता और अनार का शरबत पीता, आम की गुटली चूसता जाता ऐसे जैसे कोई हो भूखा, एक अनोखा उल्लू बाटा, एक था उल्लू ऐनक वाला। अब आखिर में किताब के कुछ सवालात हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं, क्या आप बता सकते हैं अलिफ नगर की बस्ती कहाँ थी? तो क्या आप बताएंगे मुझे अलिफ नगर की बस्ती कहाँ थी? जी हाँ, अलिफ नगर की बस्ती कहाँ थी? जंगल में। पोपो पांडा ने उल्लू से क्या कहा था? जी बिल्कुल दुरुस्त, पोपू पांडा ने उल्लू से कहा था कि मुझे लगता है तुम अंधे हो रहे हो। और होशियार हुदहुद ने उल्लू को क्या मशवरा दिया था? कि डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े को अपनी आंखें चेक करवाओ। और उल्लू को तमाम जानवर क्या कहकर बुलाने लगे थे? जी उल्लू को तमाम जानवर एक था उल्लू ऐनक वाला कह के बुलाने लगे थे। और इसके अलावा इसमें दो मशकें और हैं जिसमें दिए गए अल्फाज को तोड़ के करना है। और इसके अलावा हमें इस किताब में से अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाजों को ढूंढना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये किताब आप सबको बहुत पसंद आई होगी, जिसमें हमने हुर्फ अलिफ की कहानी को पढ़ा, जिसे लिखा उमैरा अहमद ने था, और सब बच्चों के लिहाज से ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद किताब है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको ये एक था उल्लू कहानी कैसी लगी? मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हर बार हम उर्दू में एक हर्फ की कहानी किया करेंगे, जैसे कि आज हमने अलिफ की कहानी की। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।